धनश्री गंगा माया की जय, छठ माया की जय, छठ माया की जय। ये है एंजॉय, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मैं रंजय बसुमतारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मैंने छठ पूजा के लिए गया था वहाँ पे, और मुझे कुछ वहाँ पे एक अलग से फीलिंग हुआ है जो आप लोग देख सकता है वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और सामने इस नदी पार का गोलाघाट है, और नदी का इस पार ये कार्बियांग लोग है छठ पूजा के लिए। ये पूरा हमारा परिवार जा रहा है एक ही साथ में, आप देख सकते हैं कि साथ में जा रहे घाट में। ये है बोकाजंती नाली, सामने है रेल गेट, ये बोकाजंती नाली। तो ये है रेल गेट, 3 बजने वाला है। और ये जो है धनश्री रिवर ब्रिज, जो है धनश्री रिवर ब्रिज आप सामने देख रहे हैं। ये जो है ये धनश्री नदी है, ये रेलवे ब्रिज है। इस नदी पर इस तरह गलाघाट है, ये कार्मियांगलोंग है। तो ये बीच में ये बॉर्डर है, मुझे जाना पड़ेगा वो एरिया में जहाँ पे ये जो लोकेशन है ये पूरा कम्प्लीटली ये प्लेन है। तो ये लोकेशन है छठ पूजा का, आप देख सकते हैं कितना लोग अभी भीड़ हो रहा है। ये देखो, ये सामने ये काली माता का मंदिर है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कुछ मानती किया है, इसलिए लाइन मार्क करके ये स्टेप बाय स्टेप पार करके जाता है, आप देख सकते हैं। ये पूरा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हीरो हीरा लाल भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा VIP वॉलेंटियर यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं सामने पार्क है, आप सामने पार्क देख सकते हैं। यही है जो लोकेशन है, और ये पूरा टीम आ रहा है, देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये लोकेशन है छठ पूजा का, आप देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली पुलिस प्रोटेक्शन साथ में है, ये पूरा पार्किंग किया हुआ है। ये है छठ पूजा का जो घाट बनाया है, ये धनश्री नदी है, आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ से लेके यानी 1 किलोमीटर दूर आगे जो ब्रिज देख रहे हैं वहाँ तक, ये पूरा यहाँ पे पूरा ये छठ पूजा के लिए पूरा सभी यहाँ पे आ चुका है। अपना अपना घाट यहाँ पे जगह बना के रखा है, फुल म्यूजिक का साथ, फुल ड्राम सीट का साथ यहाँ पे लोग कम्प्लीट ये पूरा आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। फुल ये म्यूजिक का साथ में ये पूरा यहाँ पे अभी भीड़ होगा, यानी जब तक सांसिक नहीं होगा, ये सांसिक होने तक यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे पूजा पाठ रहेगा, ये लोग ध्यान करेगा इस नदी में। एक जोरदार धमाका होने वाला है अभी, देखो। ये पूरा स्ट्रीट लाइट यहाँ पे अरेंज करके रखा है नाइट के लिए, फुल फोकस लाइट डाल के रखा है। पूरा ये खिलौना बाजार, ये पूरा बैलून साथ में, आप देख सकते हैं। तो ये घाट में एंटर हो रहा है मैं, तो ये घाट। पूरा फैमिली टीम पिक्चर कर रहे हैं 2021 के लिए, ये मेमोरी देखिए।
तो दोस्तों आज का वीडियो ये कुछ धमाका होने वाला है। ये देखिए ये पूरा ये हमारा बोकाजान का यंग स्टार लोग पूरा यहाँ पे खड़ा है। ये पूरा हमारा बोकाजान का स्थानीय निवासी लोग ये पूरा यहाँ पे आ चुका है। तो ये घाट में अभी ये लोग का ये जब तक सनसेट नहीं होगा तब तक ये लोग कम्प्लीटली यहाँ पे रहेगा, और ये कम्प्लीट होने के बाद में जब सनसेट होगा और अंधेरा होगा तब तो यहाँ से फिर अपना जितना भी फूल प्रसाद है उसको लेके फिर यहाँ से उठ के चला जाएगा। एंड और भी आगे भी सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ गया, पूरा पटाखा पूरा डम डुम कर रहा है आप देख सकते हैं। और आगे ये बहुत खूबसूरत नज़ारा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे घाट कम पड़ गया आगे तो, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन एंड हो गया, फिर भी लोग वहाँ पे फिर अपना जगह बना लिया। हमारा अपकमिंग न्यू जेनरेशन। ये सामने रेलवे ओवर ब्रिज और ये धनसी नदी, ये नहीं इस नदी पर गोलाघाट, ये कार्बी आंगलोंग। तो इस नज़र आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ये छठ पूजा के लिए पूरा बोकाजान का जितना भी लोग है यहाँ पे घाट में अपना अपना लेके बैठ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा मैया। दर्शन कर लिया कौन से रिवर है,
सामने से ट्रेन भी आ रहा है, देखो कितना स्पीड, 100 एबो स्पीड में ये ट्रेन जा रहा है। देखो सामने में यहाँ पे पूजा हो रहा है, आप देख सकते हैं, देखो क्या नज़ारा है दोस्तों, देखिए। ये जो धमाका है ना, ये बोगाजन का धमाका है, देखा, सुना आपने, देखा, आओ देखा धमाका हो रहा है। इसका हाथ में होने वाला है धमाका, जल्दी करो धमाका। बिल्कुल वाओ, देखा धमाका हो रहा है, धमाका यहाँ पे बहुत खतरनाक धमाका हो रहा है, देखा देखा कितना जोरदार धमाका हो रहा है, देखा पूरा धमाका हो रहा है यहाँ पे, पूरा धमाका हो रहा है यहाँ पे, धमाका हो रहा है यहाँ पे, धमाका। ये फोकस लाइट अभी सेटिंग कर दिया और आगे भी सेटिंग कर दिया, पूरा यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, तो ये पूरा धमाका हो रहा है, देख सकते हैं, देखा। ये देखो ये धमाका कर रहे हैं, देखा, आओ दे झटका, देखा देखा कितना बड़ा धमाका किया, कर दिया यहाँ पे, वाह वंडरफुल। यहाँ पे बहुत जोरदार धमाका हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे बॉडीगार्ड है, मेरे को कोई डर नहीं, देखा कितना जोर हुआ धमाका यहाँ पे, देख सकते हैं, देखा ये पूरा बॉडीगार्ड साथ में लेके जा रहे विथ AK-47। ये एंड प्लेस है और ये बाकी यहाँ से एंड है और कंटिन्यू वहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंड टू एंड आप देख सकते हैं, पूरा लोग यहाँ पे भीड़ हो चुका है क्योंकि यहाँ पे खाली नहीं है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं, देखो ऊपर भी, बहुत जोरदार धमाका हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, किसी लड़ाई से कम नहीं, यहाँ पे इतना बम ब्लास्ट हो रहा है, अच्छा आप देख सकते हैं, पूरा फटाफटी हो रहा है यहाँ पे, इतना जोरदार धमाका हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे ड्राई कंडीशन में है, तो यहाँ पे ड्राई कंडीशन में, और आगे जो नीचे देख रहे हैं ये पूरा रिवर का, रिवर बैंक का सामने है यहाँ पे, कहाँ धमाका है मर, अरे बापरे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा ये ड्राई कंडीशन में है, अरे बापरे कितना बड़ा जोर धक्कर, देखा ये पूरा देख सकते हैं, बिल्कुल जी, कैमरा करने में लगी है, हाँ ना यूट्यूब में है ना, मैं यूट्यूब में हूँ, यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब, पूरा ये जंगल रोड, ये पूरा देख सकते हैं आप, ये पूरा फ्लावर गार्डन हो गया, ये आप नेशनल ज्योग्राफी देखा ना, एनोकोंडा इसी में रहता है, एनोकोंडा नहीं इसी में रहता है, देख सकते हैं आप, ये जो हमारा असम है ना, कार्बी आंग्लोंग डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं एनोकोंडा कहाँ पे रहता है, ये नेशनल ज्योग्राफी लाइव नहीं है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, छोटा बड़ा धमाका करो, अरे बाबा मेरे को मत उड़ाना नहीं तो वीडियो खत्म हो जाएगा, अरे बाप रे दिया झटका, देखा और यहाँ पे धमाका दे रहे,
सामने आप फोकस लाइट देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो नाइट के लिए फुल फोकस लाइट कंप्लीटली अरेंज करके रखा है। का समय था आ रहा था, तो अभी का समय है जाने का। तो ये वक्त है लौट के वापस जाने का घर में। तो अभी शुरू हो रहा है, कुछ लोग रिटर्न जा रहा है, तो अभी समय हो गया जाने का। तो इसलिए धीरे धीरे हम भी यहाँ से अपना घर चलता हूँ। Realme 7 Pro टाइम। तो अभी समय है यहाँ से जाने का। तो धीरे धीरे रात हो गया,
टाइम हो गया एग्जैक्टली 4:55, तो लोग यहाँ से घाट से उठ चुका है, अपना घर के लिए रवाना हो चुका है यहाँ से। तो हम भी अब चलेंगे यहाँ से एक साथ में सभी। पूरा ट्रैफिक हो गया, देख सकते हैं कंप्लीटली ट्रैफिक हो गया यहाँ पे, कोई गाड़ी जा नहीं सकता है। पूरा CRPF एंड पुलिस कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे हैं, कंप्लीटली यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। फुल ट्रैफिक हो गया, देखा, देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। सामने रेल गेट देख सकते हैं आप, फुल ट्रैफिक, बहुत साइड ट्रैफिक हो गया। ये एम्बुलेंस को भी जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं बोलेरो एम्बुलेंस, सेकंड ये सोमो टाटा एम्बुलेंस, स्लो 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 स्लो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मॉर्निंग गाइस। इस वक्त मैं बोकाजान धनश्री नदी घाट पे हूँ, ये छठी माया पूजा के लिए। तो आज हो गया 11 तारीख और सुबह का अभी 4:30 हुआ है, यानी 4:30। तो लोग अभी आ चुका है यहाँ पे, और भी आ रहे लोग बहुत सारा। और यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स ये कम्प्लीटली लगा हुआ है, और यहाँ पे सामने सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पे आप देख सकता है, ये कम्प्लीटली यहाँ पे 100% ये पूरा कम्प्लीटली रेडी में है ये। और यहाँ से ये एंटायर है, और हमारे यहाँ पे व्हीकल भी आ रहा है, कम्प्लीटली ट्रैफिक यहाँ पे कम्प्लीटली कंट्रोल हो रहा है, और ऑटो में लोग यहाँ पे आ रहा है। और सामने आप आगे और देख सकते हैं ये एंट्रेंस है, और ये एंट्रेंस से यहाँ से लोग यहाँ से एंट्री हो। अरे कहना क्या चाहते हो, हो रहा है। और हमारे यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन कम्प्लीटली यहाँ पे सपोर्ट है, और ये एंट्रेंस है, और यहाँ से लोग नीचे जा रहा है। मैं आपको नीचे जाके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग कितना भीड़ हो रहा है, और यहाँ पे लोग अपना अपना जो दर्शन है, जो अपना पूजा पाठ के लिए ये कम्प्लीटली यहाँ पे ये आ रहा है। सामने ये कमिटी हॉल है, आप देख सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे लोग पूरा भीड़ जमा हुआ है, सुबह का 4:30 हुआ है। तो मैं अभी आपको घाट में लेके जा रहा हूँ। तो ये हम लोग अभी ये घाट का सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये नदी का किनारे है, सामने रेलवे ब्रिज है, और ये धनश्री नदी है, ये पूरा घाटी है, आप देख सकते हैं। पूरा यहाँ से एंड टू एंड पूरा, अभी 4:30 का वक्त है, अभी भी उजाला नहीं हुआ, अभी भी अंधेरा है। और मैं आपको सामने जाके घाट में मैं आपको देख सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा लोग आ चुका है, यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे घाट में उतर चुका है। पूरा यहाँ पे धमाका हो रहा है, पूरा इंजॉय कर रहे हैं, छोटा छोटा पटाखा यहाँ पे ब्लास्ट कर रहा है। तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे ये पूरा रेगिस्तान जैसा हो गया, ये पूरा धूल मिट्टी है, कोई जूता पहन के चल रहा है, कोई चप्पल पहन के चल रहा है, कोई खाली पाँव में चल रहा है। तो यहाँ पे एक नया फीलिंग हो रहा है, एक नया नज़ारा है। तो ये है छठी माया का जो पूजा है, जो दर्शन करने के लिए आता है घाट पर, आप देख सकता है। ये पूरा सामने पूरा रॉकेट छोड़ा हुआ है, ये पूरा पटाखा धमाका हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एंड टू एंड कितना लोग यहाँ पे जुड़ चुका है, कितना लोग यहाँ पे आ चुका है। चलिए मैं आपको सामने से दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैं फिर इस भीड़ इलाका में आ चुका हूँ, तो हमारा कुछ यहाँ पे परिवार लोग इसका अंदर में शामिल हो चुका है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा यहाँ पे परिवार लोग यहाँ पे बैठ चुका है, आप देख सकता है। यहाँ पे आप देख सकता है, ये हमारा परिवार लोग यहाँ पे शामिल हो चुका है। तो अभी 4:30 का वक्त हुआ है, आप देख सकते हैं आगे पीछे ये कितना लोग यहाँ पे जुड़ चुका है, ये छठी माया पूजा के लिए। ये धनश्री नदी है, इस नदी पर गोलाघाट है, इस पर हमारा ये कार्बी आलोंग है, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। सुबह से पूरा यहाँ पे पूरा उजाला ये माहौल हो चुका है, कम्प्लीटली यहाँ पे टेक्नीशियन लाइट व्यवस्था किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत एक खूबसूरत नज़ारा है, मैं और आपको आगे से दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, यानी एंड टू एंड। तो दोस्तों अगर आपको पटाखा का धमाका का शौकिंग है, तो सामने फैक्ट्री लगा हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हैं, आप धमाका कर सकता है,
आप इंजॉय कर सकता है ये छठ माया पूजा के लिए। तो ये सबका इंतजार है कब सूरज निकलेगा और कब यहाँ पे पूजा कंप्लीट होगा। आप देख सकता है, देखो ये रॉकेट का नज़ारा देख सकता है। अब यहाँ पे पूरा लोग आ चुका है, यहाँ पे कितना यहाँ पे फ्रेंड आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नज़ारा, एक बहुत खूबसूरत, एक अलग सा फीलिंग हो रहा है। यहाँ पे आके लोग यहाँ पे आ रहे, जा रहे, घूम रहे, देख रहे, बस धमाका हो रहा है। और ये नदी का किनारे ठीक से ये छठी माया के लिए पूजा के लिए बैठ चुका है कि कब सूरज निकलेगा और कब पूजा होगा, कब दर्शन कंप्लीट होगा। तो हम लोग इस होने का बाद में यहाँ से चलेगा अपना अपना घर। दोस्तों ये है बोकाजन कार्मी आंगलोंग धनश्री नदी का घाट है। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा छोटा बच्चा लोग भी यहाँ पे बिल्कुल धमाका करने के लिए शुरू हो रहा है। और ये है आपका एंड टू एंड, शायद यहाँ से और थोड़ा सा लाइट का व्यवस्था कमी हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा घाट का भी थोड़ा सा ये सही जगह नहीं हुआ, इसीलिए एक पार्ट जो है वो ऊपर में ही यानी ड्राई प्लेस में हो गया और ये बाकी जो है एकदम बिल्कुल ये नदी का पास ही यानी पानी का पास ही इन्होंने घाट जगह ले लिया। और जिसको भी ये जगह नहीं मिला ये थोड़ा सा वहाँ पे ड्राई प्लेस में जाना पड़ा। तो ये है थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, फिर भी लोग पूजा के लिए बिल्कुल सही दिल से और एक पवित्र आत्मा से ये लोग पूजा पाठ के लिए बैठा हुआ है नदी घाट में। तो ये नज़र आप देख सकता है जो दूसरा पार्ट है, जो ये जो दूसरा सेक्शन है, तो उसको भी जाके देखता हूँ कि वहाँ पे वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का हलचल क्या है और क्या हो रहा है वहाँ पे, ये ड्राई प्लेस में कैसे हो रहा है, मैं बिल्कुल दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का कमी हो गया है तो लोगों के लिए यहाँ पे पूजा करना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइटिंग सिस्टम व्यवस्था नहीं किया गया है। तो पूजा के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आना जाना बिल्कुल अंधेरा, ये तो ब्लैक रोड हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये सामने है दूसरा पार्ट, इन्होंने जगह कमी की वजह से इन्होंने ड्राई प्लेस में ये जगह को इन्होंने सेटिंग कर लिया है। कैसा ड्राई में बैठा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने से ये कौन सा माहौल हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ड्राई प्लेस हो गया और थोड़ा सा स्लोपिंग अप में हो गया, ये आप देख सकते हैं ये सामने से बिल्कुल बिना पानी में, क्योंकि पानी यहाँ से मिनिमम 20 मीटर का नीचे है। आप देख सकते हैं ये पानी 20 मीटर का नीचे है ये धनश्री नदी, और ये 20 मीटर का ऊपर में ये इन्होंने ये जो घाट व्यवस्था किया है यहाँ पे। तो ये है माहौल, ये है नज़ारा। लाइट का व्यवस्था कमी हुआ है तो शायद थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि लाइट व्यवस्था ये सेक्शन में दिया हुआ है, ये घाटी में दिया हुआ है, लेकिन ये सामने में ये लोग ने लाइट व्यवस्था थोड़ा सा कमी हुआ है। और ये जो रोड है बिल्कुल डार्क हो गया, हाँ ये जो रोड है ये ब्लैक रोड हो गया, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आना जाना बहुत दिक्कत चल रहा है। ये सामने मैक्सिमम ये 20 to 25 मीटर का ऊपर में ये घाट बैठा हुआ है, और ये जो नीचे है यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। अभी भी 5 बजे नहीं हुआ है सुबह का, जब 5 बजे होगा, जब सूरज वहाँ से उठेगा, तब तो लोगों का दर्शन कंप्लीट होगा यहाँ पे छठ माया पूजा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी उन्होंने एडवांस ये सोचा नहीं था कि यहाँ पे और भी लोग ये जगह होगा और भी लोग बढ़ेंगे और भी लोग घाट में पूजा होगा। तो थोड़ा सा ये तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो थोड़ा मिस्टेक लगता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कमी दिखाई गया है, क्योंकि ये जंगल रोड में आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो पूजा के लिए बिल्कुल यहाँ पे ये पूरा क्लियर होना चाहिए था। ये देखो सामने ये नदी घाट है, धनश्री नदी है, और ये लोग वहाँ पे जो मैक्सिमम ये 20 to 25 मीटर का ऊपर में ये लोग घाट बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कमी नज़र आता है। कम्प्लीटली यहाँ पे ये लाइट का व्यवस्था किया गया है, तो ये नया एक अच्छा फीलिंग होता है, एक नज़ारा अच्छा खूबसूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का व्यवस्था किया गया है, लेकिन बाकी जो साइड में बिल्कुल लाइट नहीं है। तो ये जो लाइट है इन्होंने एडवांस सेटिंग किया, एडवांस ये कमेटी का तरफ से तो ये किया गया है। तो ये जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अभी वक्त है, अभी सही टाइम है आपका, अभी भी 5 बजने में अभी भी 20-25 मिनट बाकी है, जब सूर्य उठेगा छठी माया पूजा के लिए तो दर्शन कंप्लीट होगा यहाँ पे। ये कमिटी हॉल है, ये एंट्रेंस पॉइंट है,
सुबह का 5:05 का ये नजारा। ये है बोकाजान कार्बियालोंग यानी धनश्री घाट छठ माया का पूजा। अब देख सकता है तो इस वक्त 5:50 हो गया, सनराइज हो चुका है। तो इसी घड़ी का इंतज़ार था लोग, अभी सनराइज हो गया, ये सूरज निकल चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सनराइज शुरू हो गया। तो ये है नज़ारा। जय हो छठी माया की। जय हो, जय हो, जय हो। ये मेरा जितेंद्र कुमार गुप्ता, ये मेरा सब्सक्राइबर है, हाय हाय हाय। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये बोकाजान का सुखनजान का दादा दादा यानी मेरा दादा, आपका नहीं, मेरा दादा। ओके, कौन कौन पूछेंगे? इधर इधर आ जाओ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है बोकाजान धनश्री नदी छठी माया पूजा का घाट में है। और यहाँ पे कुछ निवासी स्थानीय यहाँ पे लोकल बंदा है, हम इनसे जानेंगे कि आज का यहाँ पे कार्यक्रम कैसे लग रहे और ये क्या हो रहा है। इनसे हम जानेंगे इनका नाम क्या है और ये काम क्या करता है, और थोड़ा सा दो बात आपको ये जानकारी देगा। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, यहाँ पे ऑटो चलाता हूँ, राम प्रेस पटेल मेरा नाम है जी। और हम लोग का साल में एक बार ये पर्व आता है छठ पूजा, इसको सबसे बड़ा हम लोग का बिहारी नियम में माना जाता है, सबसे बड़ा जी। हम लोग को यहाँ में आके अच्छा भी लगा, पूजा भी हो रहा है बहुत बढ़िया यहाँ में, बिल्कुल। और ऐसा पूजा तो शायद बाइंचा से साल में तो एक बार आता ही है, लेकिन ऐसे करने का अवसर सबको नहीं मिलता है जी, जी, जी। तो हम लोग को ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और आसाम में हो रहा है ये सबसे बड़ा बात है जी, जी। हम लोग का बिहार में होता रहा, लेकिन आज पूरा इंडिया का हर एक कोना में ये छठ पूजा हो रहा है, सबसे बड़ा इसको माना जाता है। अच्छी बात है, अच्छा लगा हम लोग को भी देख के आके। हम लोग भी बिहार के रहने वाले, फिर भी आसाम में आके रह रहे हैं हम लोग। शुक्रिया आपके लिए। नहीं। कुछ नहीं और कुछ नहीं। ओके, फ्यूज करो। तो दोस्तों, ये सर से हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों लोग इतना भीड़ है। ये हमारा सर यहाँ पे खड़ा है, तो ये देख के लगता है कि ये भी एक यहाँ का स्टाफ है बोकाजान कमेटी का। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है सर। जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है कि छठ पूजा का त्यौहार चल रहा है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे अखिल असम भोजपुरी परिषद की तरफ से। और यहाँ में 2 दिन का प्रोग्राम था, कल शाम से शुरू जो हुआ, कल शाम का जो सूर्य जो
जो ढला उस हम लोग डूबते सूरज को अर्घ दे के प्रोग्राम समाप्त करते हैं, कल का पूजा करते हैं। और आज सूरज निकलने से पहले हमारी माता दीदी बहनें आकर उगते सूरज को अर्घ दे के और पूजा को यहीं पे समाप्त करके अब घर जाते हैं। आपका ड्यूटी क्या है आज यहाँ पे? तो हम लोग का विशेषतर तो हम लोग का तो यहाँ पे वॉलंटियर का थोड़ा देख रेख का ड्यूटी है, ताकि हमारे जो भी भक्तजन लोग हैं, भैया लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत ना हो। टोकरी वगैरह दौड़ा जो हम बोलते हैं, जो सर पे ले जाते हैं ना दौड़ा, जी, 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 जी। जो आप टोकरी वगैरह जानते हैं बोलते हैं, उसमें फल प्रसाद रहता है, तो ले जाने में तकलीफ ना हो, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर हल्का सा भी इम्बेलेंस हो जाता है तो गिर जाएगा प्रसाद, फिर पाँव में लगेगा। तो ये सब देखना है और लोगों की सहायता करना, अगर कहीं कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे देखना था। ओके, थैंक यू सर। तो ये सर लोग यहाँ पे वॉलेंटियर का काम कर रहे हैं, साथ में ये वॉकी टोकी हैंडसेट लेके इन्होंने ये पूरा यहाँ से फ्रीक्वेंसी लगा के पूरा टीम का साथ यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन में है। साथ में हमारे यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भी है और ये बिल्कुल ये घाट का नज़दीक ऑलरेडी ये सन राइजिंग हो गया, इनका इसी का इंतज़ार था सबका। अब इंतज़ार का घड़िया आ गया, अब ख़त्म होने वाला है और हम लोग यहाँ से एक साथ में निकलने वाला है घर में। तो इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो गया, लोग जाना शुरू हो गया, लोग पूरा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। सुबह का 6:16 हो गया, यानी 6:16 घर के लिए सभी निकल रहा है। ये है एग्जिट पॉइंट, ये है एंजॉय, आ गया जी जी जी। बस ये रिसेंटली आप लोग का सहयोग का साथ, आप लोग का सपोर्ट का साथ देखेंगे कहाँ तक जाएगा। आज नहीं तो कल तो कोई देखते रहेगा ना। नहाना चाहिए नहीं कम बाबू, लगा लो। अरे जिंदगी है तो कितना बार नहाएगा, आज टीका लगा लो। दिल साफ यानी पानी जैसा, सामने धनसरी नदी जैसा। दीदी टीका है, प्रसाद। ये है गंगा माई छठा माया का, ये है प्रसाद। अब मैं इसको शुरू करेंगे। बहुत टेस्टी है, यानी 2021 का ये जो छठ माया है बहुत सही तक किया है, सबको हेल्प किया है, बहुत टेस्टी है। जय हो माता, जय हो गंगा माया। तो दोस्तों अब देख सकते हैं पूरा घाट खाली हो रहा है, तो हमारा अभी वक्त हो गया घाट को छोड़ के जाने के लिए। तो इस घाट को हम प्रणाम करेंगे फिर अगला साल आने के लिए। तो ये है धनश्री नदी, तो मैंने प्रणाम कर दिया, जय हो गंगा माया। फिर अगला साल आने के लिए इंतजार करेंगे दोबारा इस पवित्र स्थान में,
सबके साथ फिर मिलेंगे दोबारा। चलो चलो, आशीर्वाद है मेरा बेटा। तो ये है नजारा, अब देख सकता है। तो इस पवित्र स्थान को छोड़ के अभी हम लोग घर निकल रहा है, ये पूरा धीरे धीरे सभी जा रहे हैं। अब देख सकता है ये पूरा अपना फूल प्रसाद, ये हर चीज लेके यहाँ से घर निकल रहा है। तो हमारा वक्त हो गया अब यहाँ से जाने के लिए घर में। ये सूर्य चंद्र भगवान, जय धनश्री गंगा माया की, जय छठ माया की, जय छठ माया की। अभी निकलने का समय हो गया हम लोग का, यहाँ से एक साथ पूरा फैमिली मेंबर यहाँ पे पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है लोग एक साथ में। अभी हम लोग चलेंगे अपना अपना घर। मेरे को बहुत ही आज का जैसा और अखिल असम भटपुरी परिषद